मुझे मम्मी जी के हाथ की आलू बैंगन की सब्जी काफी ज्यादा पसंद है दोस्तों। मैंने सोचा था जब मम्मी जी घर पर आएंगी तो उनसे मैं एक बार ये सब्जी जरूर बनवाऊंगी और साथ में मैं भी सीखूंगी। पता नहीं उनके हाथ में ऐसा क्या है कि सब्जी इतनी टेस्टी लगती है, क्या डालती है मुझे भी नहीं पता है दोस्तों। हेलो फ्रेंड, कैसे है आप सभी लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुमीपा किचन बाय शिल्पा में ढेर सारा स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए मम्मी के हाथ के आलू बैंगन की सब्जी। तो आइए देर ना करते हुए जल्दी से इस रेसिपी को देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बनाएंगे तो मम्मी, सिर्फ हमको इस रेसिपी को देखना है। इसके लिए मम्मी ने लिए आधा किलो लंबे बैंगन। अब मम्मी लंबे बैंगन को कट कर रही है, तो कट करने का तरीका भी आप देख लीजिएगा। कि देखिए, पानी के बाउल में मम्मी बैंगन को कट कर रही है और थोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे गोल कट कर रही है इस तरीके से, क्योंकि यदि आप इनको ज़्यादा बारीक कट करेंगे तो ये सब्जी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, तो दिखेंगे नहीं कि ये बैंगन की सब्जी है। इसलिए थोड़ा मोटा मोटा कट कर रही है, और जो गोल कट किए हैं उसके भी मम्मी दो भाग कर रही है, देखिए इस तरीके से। मम्मी का कहना भी सही है कि यदि आप बैंगन के ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो वो सब्जी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। और ये देखिए, मम्मी लंबे बैंगन का यूज़ कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि लंबे बैंगन की ही सब्जी बनाई जाए, आपके पास जो भी बैंगन है, जो भी मार्केट में मिलते हैं, आप उस बैंगन की सब्जी बना सकते हैं। बस रेसिपी आप इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, बैंगन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारे बैंगन को मम्मी ने बड़े टुकड़ों में कट कर दिया है। अब इसमें मम्मी डालेंगी आधी चम्मच नमक और इसको हल्का सा दबा देंगी ताकि बैंगन नमक और पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक और पानी में बैंगन को डालने से क्या होगा, बैंगन काले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि सब्जी फ्राई करने में हमको लगेगा टाइम। तो ये देखिए, अब मम्मी कर रही है सब्जी को फ्राई। तो इसके लिए कढ़ाई को गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें मम्मी ने डाला एक चम्मच भरकर तेल। मम्मी ने एक बड़ी चम्मच भरकर तेल डाल दिया है और गैस का फ्लेम कर दिया है फुल, ताकि तेल जल्दी से गर्म हो जाए। अब एक प्लेट में मम्मी ने लिए पांच मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको अच्छे से बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, चार से पाँच लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसको दरमुरा कर दिया है, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको किस कर रख लिया है। ये देखिए, अब तेल हो गया है गरम। तो इसमें मम्मी ने डाले 10 से 15 मेथी के दाने। मेथी के दाना डालने से क्या होता है, बैंगन की सब्जी जिसको नुकसान करती है उसको नुकसान भी नहीं करेगी, बाद ही नहीं करती, इसलिए मेथी का दाना डालना बहुत ज़रूरी है। तो 15 दाने मम्मी ने मेथी के डाले। आधी चम्मच इसमें जीरा डाल दिया है और लहसुन, दरमुरा लहसुन डाल दिया है। इसको हल्का सा लाल होने तक फ्राई किया मम्मी ने। फिर इसमें डाल दी मम्मी ने प्याज, जो बड़े बड़े टुकड़ों में मम्मी ने कट किया था। गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम और इस प्याज को तेल के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें किसा हुआ अदरक भी डाल देंगी मम्मी और इस अदरक को भी अच्छे से मिला देंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, लाल होने तक नहीं पकाना है, हल्का सा ही पकाना है आधे मिनट के लिए। अब इसमें मम्मी डाल रही हैं दो मीडियम साइज़ के आलू कटे हुए। तो ये देखिए, मम्मी ने आलू थोड़े बड़े और मोटे काटे हैं, क्योंकि ये भी सब्जी में घुल ना जाए, ज़्यादा पतले काटेंगे तो वो सब्जी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, इसलिए थोड़े से मोटे और बड़े काटे हैं। अब इसको भी प्याज के साथ अच्छे से पका लेंगे। अब आलू को पकने में लगेगा टाइम, तो इसलिए इसको ज़्यादा पकाना है, इसलिए प्याज को हल्का ही पकाया था मम्मी ने। अब इसमें मम्मी डाल देंगी आधी चम्मच नमक, ताकि आलू और प्याज जल्दी से पक जाए। अब इसको अच्छे से मिला देंगी। अब आलू और प्याज को पकने के लिए छोड़ देंगे आधे से एक मिनट के लिए। ये देखिए, एक मिनट हो गया है। अब इसमें मम्मी डाल रही हैं आधी चम्मच कसूरी मेथी। काफ़ी लोग सब्जी में कसूरी मेथी सबसे लास्ट में डालते हैं, लेकिन मम्मी का तरीका देखिए, मम्मी ने इसमें बीच में ही डाल दिया है। तो ये देखिए, कसूरी मेथी को भी इस आलू के साथ अच्छे से मिला दिया है और दबाकर देख रही हैं कि आलू पके हैं कि नहीं पके। मतलब पक तो गए, टूट तो रहे चम्मच से, लेकिन ज़्यादा नहीं पके हैं। तो बस इतना ही मम्मी ने बोला कि इतना ही पकाना है, आलू को एकदम ज़्यादा भी नहीं पकाना है, क्योंकि अभी हम बैंगन भी डालेंगे तो वो बैंगन के साथ पूरे पक जाएंगे। तो हल्का से इसको दबाएंगे तो ये टूट रहे, बस इतना ही हमें आलू को पकाना है। अब मम्मी इसमें डाल देंगी बैंगन।
तो ये देखिए सारे कटे हुए बैंगन मम्मी ने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको भी अच्छे से मिला देंगी। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है दोस्तों, बिल्कुल भी हाई और लो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि फ्लेम से भी फर्क पड़ता है कि सब्जी को आप किस तरीके से पका रहे हैं। और ये देखिए मम्मी ने एक चम्मच भरकर फिर से नमक डाल दिया है, आधी चम्मच हल्दी डाल दी मम्मी ने। अब इसको भी अच्छे से मिला देंगी मम्मी। अच्छा है कम से कम मैं आप लोगों के साथ साथ मैं भी रेसिपी को बनाना सीख रही हूँ, मैं भी सब्जी को बनाना सीख रही हूँ, क्योंकि रियली में सब्जी बनाना मुझे नहीं आती। रेसिपी बनवा लो मतलब नई नई तरीके की, जैसे सैंडविच या कटलेट वगैरह ये चीज़ मुझसे बनवा लो, लेकिन सच में मुझे सब्जी बनाना नहीं आती। इस बहाने मैं भी सब्जी बनाना सीख रही हूँ मम्मी के हाथ की। मम्मी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाती है दोस्तों। यदि आप लोगों को मम्मी के हाथ की सब्जी पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और चैनल पर नए आए ना तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जितना हो सके फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए मम्मी ने बैंगन आलू प्याज को अच्छे से 2 मिनट तक और अच्छे से पका लिया है। मतलब मम्मी ने आलू प्याज और बैंगन को 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब गैस का फ्लेम लो कर दिया है मम्मी ने और इसको ढक्कन से ढक दिया है 1 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए। बीच बीच में इसको हिला जरूर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप 1 मिनट के लिए कंटिन्यू ढक दें, नहीं तो सब्जी आपकी चिपक सकती है और जल भी सकती है। और ये देखिए 1 मिनट हो गया है। अब इसको मम्मी सब्जी को एक बार और अच्छे से चम्मच से चलाएंगी, मतलब चम्मच से इसको अच्छे से हिलाएंगी। तो ये देखिए मम्मी बैंगन को दबाकर देख रही है, बैंगन दब तो रहे लेकिन फिर भी हल्का सा जो ऊपर का जो छिलका है ना वो हल्का सा हार्ड है। तो उनका कहना है कि जब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे ना तो वो उसके साथ और पक जाएंगे। तो मम्मी इसमें कुछ सामान और ऐड कर रही है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या मिला रही है। एक मीडियम साइज का टमाटर मम्मी ने इसमें डाला, और टमाटर को आप ध्यान से देखिए एकदम बारीक कटा हुआ है टमाटर। और ये देखिए हरा धनिया मम्मी इसमें कट कर रही है। कभी आपने कभी देखा है कि सब्जी में बीच में ही किसी ने हरा धनिया डाला है? नहीं ना। लेकिन मम्मी जब भी सब्जी बनाती है ना तो बीच में ही हरा धनिया कट करके डाल देती है। यही तो एक ट्रिक है मम्मी की। उनका कहना है कि हरा धनिया का स्वाद है ना सब्जी में और ज़्यादा आता है। तो मम्मी ने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है, और आधी चम्मच तेज लाल मिर्ची डाल दी है जो तीखी होती है वो डाल दी है। 2 चम्मच भर के मम्मी ने डाल दिया है धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मम्मी ने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। अब इसको सब्जी के साथ अच्छे से मिला देंगी। और ये देखिएगा दोस्तों, जब मसाला सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो इसका कलर ही चेंज हो जाएगा सब्जी का। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर रही है, गैस का फ्लेम लो ही रखा है। अभी मसाले को इस बैंगन के साथ अच्छे से मिलाते हुए 1 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों यदि आपको रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आ रही तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको मम्मी ने फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक कर रख दिया है लो फ्लेम पर। आप बीच बीच में एक बार सब्जी को चेक जरूर कर लीजिएगा, और उसको पलटे से एक बार जरूर चलाइएगा। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब मम्मी इसको एक बार चेक करेंगी, एक बार सब्जी को अच्छे से मिला रही है। और आप ध्यान दीजिएगा मम्मी पलटे का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी हल्की सी नीचे चिपकने लगती है, तो पलटे से क्या होता है वो सब्जी अच्छे से निकल जाती है। तो मम्मी पलटे का यूज़ कर रही है और इसको अच्छे से मिला रही है सब्जी को। और ये देखिए बैंगन को दबाकर देख रही है, तो बैंगन कितनी ईजी तरीके से दब रहे हैं। ये देखिए अच्छे से पक गए बैंगन। ये देखिए सब्जी पूरी तरीके से पक गई है। मम्मी बैंगन को दबा रही है तो उसके छिलके भी सॉफ्ट हो गए हैं, और आलू को भी दबाकर देख रही है तो आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो सब्जी तो पककर पूरी तरीके से रेडी हो गई है। और इसी टाइम यदि हम ये सब्जी बनाते तो क्या करते हैं, सब्जी जैसी ही पक जाती है हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और खाने लगते हैं। लेकिन मम्मी का तरीका देखिए, अभी मम्मी गैस को बंद नहीं करेंगी, अभी मम्मी सब्जी को 2 मिनट तक भूनेंगी, क्योंकि सब्जी पक तो गई है लेकिन अभी पूरी तरीके से भुनी नहीं है। तो 2 मिनट तक मम्मी इसको पलटे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक इसको भूनेंगी। जब तक भूनेंगी तब तक सब्जी पूरी तरीके से तेल ना छोड़ने लगे। दोस्तों आप इस सब्जी को एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, और अपनी फैमिली को भी टेस्ट कराइएगा। आप इसको पराठे पूरी रोटी किसी के साथ भी इसको बनाकर खा सकते हैं,
और यदि आपने इस सब्जी को बनाकर फैमिली को टेस्ट कराई तो फैमिली वाले आपकी ज़रूर तारीफ करेंगे। रियली दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सब्जी को। और ये देखिए सब्जी की तली, देखिए सब्जी ने तेल छोड़ना चालू कर दिया है, सब्जी पूरी तरीके से भुनकर हो गई है रेडी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है सब्जी का, रियली खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इस सब्जी की। एक बार दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। तो दोस्तों ये सब्जी बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गई है, पक भी गई है, भुन भी गई है। अब मम्मी इसको एक प्लेट में निकाल लेंगी। सब्जी के ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और ये देखिए दोस्तों आलू बैंगन की सब्जी, मतलब आप कह सकते हैं होटल स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल, या आप कह सकते हैं घर की बनी आलू बैंगन की सब्जी बनकर हो गई है रेडी। अब घर पर कोई गेस्ट आ जाए और आपको सब्जी समझ नहीं आ रहा हो कि मैं क्या बनाऊं, तो यदि आप आलू बैंगन की सब्जी बनाना चाहते हैं तो एक बार इस तरीके से आलू बैंगन की सब्जी को बनाइएगा। और ये देखिए इसमें आलू और बैंगन कितने अच्छे तरीके से मसाले से लिपट गए दोस्तों, और टमाटर तो इसमें दिख ही नहीं रहे, पूरी तरीके से मिक्स हो गए। ये देखिए एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। और आलू भी देखिए, मैं एक बार आलू को दबाकर दिखाती हूँ, आलू भी पूरी तरीके से इसमें पक जाते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, फैमिली फ्रेंड्स और बच्चों को ज़रूर टेस्ट कराइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आप सभी लोगों को कैसी लगी। यदि आप सभी लोगों को मम्मी के हाथ की आलू बैंगन की सब्जी पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से हेल्दी टेस्टी इजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।